बड़ा सवाल ये कि कैसे पढ़ेंगी बेटियां, क्योंकि जो ये रिपोर्ट है और जो कुछ रेवाड़ी के गांव में हुआ है उसके बाद तो सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर हम कौन से समाज में जी रहे हैं या फिर कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं। चर्चा करेंगे, राजबाला सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, श्याम सुंदर सामाजिक कार्यकर्ता वो हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक सांगवान रेवाड़ी से ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है। सबसे पहले आलोक के पास चलते हैं। आलोक, ये जब दीवारों पर हम लिख देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या पोस्टर लगा देते हैं, उससे बहुत कुछ होगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जमीनी हकीकत या कहें मानसिकता बदलना अभी बहुत दूर है। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आलोक, सवाल यही था कि जब हम दीवारों पर लिख देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जमीनी हकीकत अभी दूर है, मानसिकता कम से कम नहीं बदली है, तो साफ है। बिल्कुल वरुण, देखिए इस वाक्य को देखकर यही लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की बात सरकार करती है, और वो सिर्फ नारे हैं, जो ये कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ, तमाम जो चीजें हैं वो सिर्फ नारे के लिए हैं, हकीकत कुछ और है। क्योंकि इस तरीके से यदि 11 गांव के लोग बैठकर एक पंचायत करते हैं और डिमांड करते हैं कि स्कूल को, जो कि एक प्राइमरी स्कूल है, उसको 8 क्लास का कर दिया जाए, 10th क्लास का, या उसको +2 का कर दिया जाए, तो समझ में नहीं आता है कि आखिर सरकार क्यों ढिलाई बरत रही है, किस तरीके से सरकार इन तमाम चीजों का फैसला लेती है। और क्योंकि जनभावनाएं जो हैं उनके अनुसार ये कहा जाता है कि सरकारें चलती हैं और उन जनभावनाओं का सरकार आदर करती है, मगर जनभावनाओं का आदर कर रही है आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। जी ये वो गांव वाले जो यहां पर मौजूद हैं, सवाल ये कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति बन गई, आखिर क्यों ऐसे हालात बन गए कि गांव वालों को ऐसा फैसला लेना पड़ा, और आगे इसका विकल्प क्या है? क्या बच्चियां पढ़ाई से महरूम रह जाएंगी? बिल्कुल वरुण, देखिए ये जो तमाम बातें हैं जो आप पूछ रहे हैं, मैं गांव वालों से खुद ही पूछना चाहूंगा इस तरह के हालात आखिर क्यों बन गए कि ऐसा आप लोग यहां पर धरना दे रहे हैं, इस तरह के हालात आखिर क्यों बने? ये तारीख करीबन 18 के आसपास, 18 तारीख के आसपास की बात है। हमारे गांव के बच्चे और कतोपरी गांव के बच्चे लाला स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उन लोगों की नीयतें ठीक नहीं है और नीति भी ठीक नहीं है, ना तो कोऑपरेट करने की बात करते हैं ना कोई और बात, बच्चों को अश्लील बातें बोलते हैं। तो शायद कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चों की बेइज्जती हो, हमारे गांव की बेइज्जती हो, हमारे समाज की बेइज्जती हो। मैं सबसे कड़ी निंदा यही करना चाहूंगा कि सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की योजना लागू कर रही है, फिर क्या लागू, क्या एक्टिवेट कर रही है सरकार, इस चीज में क्या रिस्पॉन्स दे रही है? आज हमारे को 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, हम बैठे हैं, लगातार सरकार से बातें हो रही है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, फिर हम क्या उम्मीद करें इस सरकार से? मैं सर जी वरुण, देख पा रहे हैं आप किस तरीके से जो सरकार को ये लोग, तमाम लोग मांग कर रहे हैं। 18 अप्रैल की घटना है और 18 अप्रैल से लगातार गांव इसी तरीके से बार बार जाकर प्रशासन को ये तमाम कर रहा है, मगर प्रशासन के द्वारा इस तरह की कोई भी चीज नहीं की जा रही, जो इन लोगों की अपील है उस पर गौर नहीं फरमाया जा रहा है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपको क्या लगता है कि इस चीज का किस तरीके से समाधान निकल सकता है? समाधान यही है जी, जब तक यहाँ पे +2 का स्कूल नहीं होगा ना, तब तक तो बच्चों को वहां पे भेजेंगे नहीं, वहां पे नहीं कहीं पे भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि ना तो कोई कैपेसिटी है ना और कमी। ये जमींदार, जमींदारों का गांव है, जमींदार आदमी है, वहां पे पैसे कहाँ से आएंगे? अगर प्राइवेट के पढ़ाने के बस की बात नहीं है, उसके बाद में अगर सरकारी स्कूल में नहीं जाए, मतलब सरकार स्कूल को अपडेट नहीं करेंगे तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, अनपढ़ रह जाएंगे। सरकार का ये भी कहना है कि यहाँ से एक बस लगा दी जाए, क्या वो समाधान हो सकता नहीं? उसके बाद में वो 2012 की बात है, उससे उस टाइम में एक ऐसा ही कांड हुआ था जैसे आज हुआ है, ठीक है। उसके बाद में भारती अरोड़ा यहाँ से SP थी रेवाड़ी से, उन्होंने आश्वासन दिया था भाई मैं आपको PCR भेज दूंगी, उसके अंदर वो 2 दिन तो PCR भेजी, उसके बाद में वो PCR भी खत्म हो गई, उसके बाद में वो भी हटा ली गई। तो आज इनके ऊपर क्या विश्वास करें, यही 2 दिन के बाद में ये हटा लेंगे, बाद में फिर वो ही चीज लागू होगी, फिर कब तक इज्जत बचाएंगे हम? तो वरुण, साफ जो समाधान है वो यही है कि स्कूल का दर्जा बढ़ाया जाए, इसको +2 का स्कूल किया जाए, इसको 10वीं का स्कूल किया जाए, ताकि इस तरह की चीजें ना हो, इस तरह का वाक्या ना हो। और इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन ने अस्थायी तौर पर इस तरह के इंतजाम किए थे,
कि इस तरह की चीजें ना हों, मगर वो स्थायी समाधान नहीं थे, इसलिए बार बार इस तरह की घटना हुई और तकरीबन चौथी ये घटना है जिसका कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों में रोष है। जी बरो आलोक, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे बीच स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले राजबाला सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब ये जो असुरक्षा की भावना है, आखिर एक परिवार जो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को पढ़ने भेज रहा है, वो आखिर इस चिंता से कैसे उभरे? क्या वो बच्ची को स्कूल भेजकर यही सोचता रहे कि वो सुरक्षित है या नहीं है, वो घर आएगी तो ठीक आएगी या नहीं आएगी? ये स्थिति तो नहीं बदली है? देखिए, निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है ये बहुत बड़ी, इसकी निंदा करनी चाहिए सबको, पूरे समाज को इसको मिलकर के समाधान निकालना पड़ेगा। जैसे कि सुरक्षा की बात की, लड़कियां हरियाणा की स्थिति में पिछले 107 साल से लड़कियां कम रही हैं और हरियाणा में लड़कियों की असुरक्षा एक सामान्य सी घटना हो गई है जो कि एक चिंता का विषय है। और इसी के तहत शायद लड़कियों की संख्या कम हुई है, क्योंकि लड़कियों के आज के दिन जब दोनों पेरेंट्स जॉब कर रहे होते हैं तो घर में भी अगर अकेली है लड़की तो उनको चिंता होती है कि लड़की की सुरक्षा कैसे की जाए, और ये तो स्कूल जाने की बात है। और निश्चित रूप से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये चलाया, अभियान चलाया, निश्चित रूप से हरियाणा की चिंता करते हुए चला है, क्योंकि ये आंकड़े उनके सामने भी आए होंगे और अनेक बार अनेक समस्याएं जिस तरीके से, क्योंकि बाहर से खरीद करके लड़कियां ला रही हैं, हरियाणा में 4% लड़कियां बाहर से खरीद करके आ गई हैं बहू के रूप में, ये जो सभी घटनाएं आपस में इस असुरक्षा की भावना से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब तक कि माँ सुरक्षित नहीं है तो बेटी को सुरक्षित महसूस नहीं करती, जो कि अभी हम सबके सामने उदाहरण है। जब माँ असुरक्षित है, बेटी असुरक्षित है, तो संख्या कम है, और संख्या कम है तो जो विकट परिस्थितियां हरियाणा में पैदा हुई हैं उन सबसे समाज रूबरू है। बहुत सारे जो अभी आपके सामने गांव के लोग, किसान लोग हैं, वहां पर हर गांव में आपको कम से कम 100-200 लड़के ऐसे मिलेंगे जिनकी शादियां अभी नहीं हो रही हैं। जो परिस्थितियां हैं, ये असुरक्षा की भावना सबसे बड़ी एक दिक्कत है हरियाणा में, जिसको लेकर के सरकार का, जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि PCR भेजी है, सरकार को भी इसमें 2 कदम बढ़ के रोल अदा करना पड़ेगा, तभी सुरक्षा लड़कियां महसूस करेंगी या पेरेंट्स महसूस करेंगे, तभी वो पढ़ेंगी, तभी वो बढ़ेंगी। जी, मैं लौटूंगा आपके पास, और शाम सुंदर जी, मैं आपके पास भी लौटूंगा आलोक। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या अपने गांव में स्कूल अपग्रेड कराने का मुद्दा ज्यादा बड़ा है, या फिर बच्चियों की असुरक्षा दूसरे गांव में भेजने को लेकर है, वो मुद्दा ज्यादा बड़ा है? बिल्कुल, देखिए, ये भी जो प्रश्न है आपका, मैं गांव वालों से ही पूछना चाहूंगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुद्दा कौन सा बड़ा है, लड़कियों की असुरक्षा ज्यादा बड़ा मुद्दा है या गांव का स्कूल अपग्रेड कराना ज्यादा बड़ा? मुद्दे दोनों बड़े हैं, लड़कियों की असुरक्षा वाला भी मुद्दा बड़ा है और गांव का स्कूल अपग्रेड करने वाला भी मुद्दा बड़ा है। क्योंकि जब तक हम कोई किसी चीज का जड़ से समाधान नहीं निकालेंगे, वो चीज ठीक नहीं हो पाएगी। 2012, 2014 और फिर 2016, यानी कि वही पाकिस्तान वाली बात होगी कि कारगिल कहीं कुछ पहले युद्ध हुआ, इस तरह से बार बार हरकतें करना, तो ये दोनों गांवों के अंदर एक तनाव बना हुआ है। और इस तनाव का समाधान सिर्फ एक है कि इस स्कूल में ही वो सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएं जो बच्चों को जरूरत है। गांव सारी सुविधाएं देने के लिए तैयार है, गांव के पास पर्याप्त बिल्डिंग है, गांव के सारे लोग यहां इकट्ठे हुए हैं। 11 गांव की पंचायत में आज ये फैसला हुआ है। भिवानी से हूं, धर्मसेना का प्रदेश महासचिव हूं, सामाजिक संगठन है हमारा धर्मसेना, और मुझे ये सुना कि गांव के लोगों के साथ एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, अत्याचार हुआ, तो मैं भी आज इनके साथ यहां शरीक होने के लिए आया। जब गांव वाले 11 गांव की पंचायत में फैसला करके बता रहे हैं कि भाई हम अपने सारे बच्चों को गांव के स्कूल में भेजेंगे, सरकार अपग्रेड करे, गांव के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं चाहे वो सरकारी स्कूल में जाते हैं, सारे बच्चे आपके अपने स्कूल में आएंगे, सरकार हमें आश्वासन दे और इस स्कूल को अपग्रेड करे। फिर मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि सरकार, आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी, जिनकी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक हमें तो इस बात का बड़ा गर्व होता है कि एक राष्ट्रवादी सोच के प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं, तो हम उनसे अपील करेंगे कि वो इस देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, इस देश की बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस गांव में 10+2 का स्कूल बनाए, ताकि दूसरे गांवों को भी प्रेरणा मिले और ये स्कूल आगे बढ़े। धन्यवाद। देखिए वरुण, मुद्दा जो है दोनों, क्योंकि महिलाओं की असुरक्षा, बच्चों की असुरक्षा,
लड़कियों की सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे मुद्दे से भी जुड़ा हुआ है, जो आपने कहा कि दर्जा बढ़ाने का और उसका स्थायी समाधान, तमाम लोग यही मानते हैं कि यदि स्कूल अपग्रेड हो जाएगा तो इस तरीके से असुरक्षा की भावना नहीं आएगी, गांव के ही स्कूल में वो अपनी बच्चियों को पढ़ा सकेंगे और कहीं ना कहीं जिस तरह का बार बार वाक्या हो रहा है, इस तरह का वाक्या दोबारा से नहीं होगा। जी मैं लौटूंगा आपके पास आलोक। श्याम सुंदर जी, ये बताइए कि पहले हमने छवि देखी है कि हरियाणा में बेटियों को पैदा नहीं होने दिया जाता, ये एक बड़ा खराब दाग हमने देखा। फिर ये आया कि बच्चियों को अगर पैदा हो जाए तो पढ़ने नहीं दिया जाता। अब अगर पढ़ाई की कोशिश हो रही है तो बाधाएं बहुत हैं, हालात कब बदलेंगे? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा, मुझे एक मिनट का समय देना पड़ेगा जी। पहली बात तो, क्योंकि भिवानी जिले से भी, ये अभी धर्मसेना से बता रहे थे, हम भी भिवानी जिले के ही हैं। ये मुद्दा क्या है कि सामाजिक ताना बाना हमारा कैसे टूट रहा है। मुझे आज भी याद है कि जब गांव बोलते हैं, गांव राम ऐसा बोलते हैं, और गांव की लड़की अगर कहीं दूसरी जगह भी शादी हो गई है और गांव का कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी कास्ट का है, वो उस गांव में जाएगा या उस शहर में जाएगा तो 1 रुपया 10 रुपया या आज के टाइम में 500 रुपया वो उसको दे के आता था। इसका मतलब ये होता था कि उस गांव की अगर बेटी है तो वो मेरी भी बेटी है, मेरी भी बहन है। ये रिश्ते कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं और रिश्ते कमजोर पड़ने का कारण ये है कि आपसी जो तालमेल है वो कम हो रहा है। देखो, दोनों गांव में जिस तरह का माहौल है, आप प्लस टू का स्कूल भी बना दीजिए, कॉलेज भी बना दीजिए, वो मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि दोनों गांव के लोगों में कुछ ऐसे लोगों का सामने आना पड़ेगा जिसका पूरा गांव इज्जत करता हो, उसका सम्मान करता हो। तो अगर हम लोग, इसमें बदलाव की आवश्यकता है, हमें सामाजिक सिस्टम को पूरे को एकदम से लोगों को जोड़ के काम करना होगा। देखिए, अगर बेटी स्कूल में नहीं जाएगी तो जो हम लोग बैठे हैं, जहां भी स्ट्राइक करते हैं, कुछ भी करते हैं, अल्टीमेटली हमारे भविष्य को कहीं ना कहीं दाग लगता है। वो हमारी बेटी है, हमारा बच्चे चोट पहुंचा रहे हैं, उनको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो ये समाधान है इसका कि हम आपस में एक बार बात करें, बात करके जो कुछ लड़के गलत हैं या जिन्होंने गलत काम किया है उनको किस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं, किस तरह से उनको सजा दी जा सकती है। इससे बढ़कर एक काम और करना पड़ेगा हम लोगों को कि गांव के जो कुछ लोग मौजूद लोग हैं उन लोगों की भी सुनिए, जिन लोगों को कुछ लोग मानते नहीं है पर उनकी गांव पूरा मानता है, उन लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए क्या होना चाहिए। कारण क्या है, अगर वो बच्चे स्कूल प्लस टू हो भी गया, चलो हम मानते हैं कि सरकार प्लस टू स्कूल बना देती है, कल वो हमारी बेटी कॉलेज रेवाड़ी भी तो जाएगी, केएलपी कॉलेज है या अन्य जो कॉलेजेस हैं वहां पढ़ने जाएगी, या महेंद्रगढ़ पढ़ने जाएगी, या कनीना पढ़ने जाएगी, फिर भी तो दूरी है 15-20 किलोमीटर की, तो आप कॉलेज गांव में नहीं ला सकते हो। माइंड सेट हमें बदलना पड़ेगा। आपने जहां तक एक बात किया है कन्या का कि बेटियां ऐसे कहां से जन्म लेंगी, देखिए ये सैकड़ों सालों से कन्याओं को गर्भ में मारा जा रहा है, उसके पीछे कुछ रीजन है, उसमें एक रीजन सुरक्षा का भी है जिसके बारे में आज ये बात चल रही है। आलोक जी भी यही बात उन लोगों से कर रहे थे कि हम लोगों को पहले बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हम क्या चाहते हैं, समाज को क्या देना चाहते हैं। देखिए, जो श्याम सुंदर जी ने कहा कि जो रिश्ते थे बहन के बेटी के, तो आपको हमारे हरियाणा के कल्चर के बारे में, आप भी परिचित हैं और मैं भी परिचित हूँ, इन्होंने कहा कि ये बाजू के गांव में, तो बाजू के गांव को हमारे हरियाणा में गुहांड कहते हैं और गुहांडों में कभी रिश्ते नहीं होते हैं। रिश्ते इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बहन भाई का रिश्ता होता है। बिल्कुल, ये जो हमारा कल्चर कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है तब जाकर के ये घटनाएं हमारी बढ़ने लगी। जी चलिए, बिल्कुल, ये जो आप बात कह रहे हैं कि सामाजिक ताने बाने का जो आपने जिक्र किया, और आलोक हमारे संवाददाता जहां पर मौजूद हैं, जहां पर वो बात कर रहे हैं गांव वालों से, उनसे ये भी जानेंगे हम ब्रेक के बाद कि जो बात श्याम सुंदर कह रहे हैं कि क्या समाधान निकाला जा सकता है कुछ लोगों को बिठाकर, क्या कहते हैं गांव के लोग, वो जानेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो रहे हैं।